चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आई होप आपसे ये हो गया हो, नहीं हुआ तो चेक करिए अपने स्टेप्स क्या है। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एज ऑन 31 मार्च 2023। 3 लाख की कैपिटल है 31 मार्च 2023। मैं अभी क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा, सीधा पढ़ूंगा नेट प्रॉफिट। देखो 1 अक्टूबर 2022 ये दे रखा है ना, 2022 कैपिटल दे रखे 2023 की, यानी ये क्या हो गई क्लोजिंग कैपिटल। बस पहला हिंट मिल गया। तो वापसी आते क्वेश्चन पे, नरेश सुकेश पार्टनर्स हैं, 3 लाख कैपिटल है 31 मार्च को, यानी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। नरेश हैड विदड्रॉन ₹50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। नरेश ने 50,000 निकाले अगेंस्ट कैपिटल, यानी ये क्या हो गया अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल विदड्रॉन। नरेश की कैपिटल विड्रॉ दे रखी है कितनी, 50 के, अभी मैंने रफली लिख लिया इसे। एंड ₹1 लाख ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इसको हम नॉर्मली ड्रॉइंग्स ही बोलते हैं, 1 लाख की ड्रॉइंग्स है। सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग्स ऑफ 1 लाख, सुकेश की ड्रॉइंग्स दे रखी है 1 लाख की। IOC 10% है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 2 लाख, नेट प्रॉफिट था 2 लाख का, विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको अभी बांटना है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर IOC एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, IOC और प्रॉफिट की एंट्री डालनी है। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा पॉइंट याद दिला दूं, क्या कि जब क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो सबसे पहला काम ओपनिंग कैपिटल निकालो। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सबसे पहला काम कैसे करेंगे, नरेश सुकेश क्लोजिंग कैपिटल है कितने की, 3 लाख की। अब कैपिटल तो लिखी नहीं कि फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या मान के चलते हैं फ्लक्चुएटिंग, ऐड कर देंगे कैपिटल विड्रॉन नरेश की कितनी है 50,000, सुकेश की है ही नहीं, ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स कितने की, ड्रॉइंग्स है 1 लाख 1 लाख दोनों की। ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी आ गई, 4.5 लाख और 4 लाख। अब इसके बाद क्या करते हैं, टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023 कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को। याद रखना टाइमलाइन पे सिर्फ दो ही आइटम्स आती है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, बस। तो कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को 4.5 लाख की कैपिटल, 50,000 इस दिन निकाल लिए, तो यहां से यहां तक 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 4.5 लाख पे, और यहां से यहां तक 4 लाख पे आएगा 6 मंथ्स का। फिर एंट्री क्या हो जाएगी और कंप्यूटेशन, पहले कंप्यूटेशन ही कर लेते हैं। IOC नरेश का 4.5 लाख पे 10% 6 महीनों का, 4 लाख पे 10% 6 महीनों का, तो 20 और 42,500। तो केश का भी इस तरह बना लो, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023। हाँ जी, सुकेश की कितनी आई, 4 लाख आई है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, सुकेश की कैपिटल विड्रॉन है ही नहीं, तो सीधा पूरा का पूरा इंटरेस्ट 4 लाख पे लग जाएगा। तो सुकेश का निकाल लो सीधा 4 लाख का 10% 40,000। अब जनरल एंट्री डालनी IOC की,
दो लाख का प्रॉफिट है, आईओसी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों। तो पहले आईओसी की एंट्री क्या हो जाएगी, आईओसी की एंट्री सिंपली हो जाएगी आईओसी डेबिट टू नरेश टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। फोर्टी टू फाइव हंड्रेड 40,000, ये आ गया 82,500। नेक्स्ट एंट्री पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू आईओसी 82,500। ये एंट्री किस दिन आ रही है, सारी 31 मार्च 2023 को। नेक्स्ट लास्ट, ये होगी पहली एंट्री, दूसरी एंड द लास्ट वन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू एंस कैपिटल टू एस कैपिटल। तो कितना बच गया मेरा, ये बच गया 1,17,500, इसको बांट दो तो कितना आ जाएगा, 1,17,500 को रेशियो कितना दे रखा है नरेश और सुकेश का, इनका रेशियो नहीं दे रखा, तो ये आपका सीधा यानी इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो 1,17,500 का आधा कर दो, 1,18,000 का मैं आधा कर दो तो मेरा हो जाता है 59। तो 58,750। लेट्स चेक इट आउट, ठीक है कि कोई एरर है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका पॉइंट था।